नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा जनपद के थाना जमुना पार के रहने वाले सैनी समाज के एक परिवार को कथित पत्रकार भू माफिया सपना ठाकुर ने अपनी दबंगई से घर से किया बेदखल। धरने को समर्थन देने पहुंची अखिल भारतीय समता फाउंडेशन अध्यक्ष लोकेश राही सहित रमेश सैनी पीड़ित परिवार ने बताया कि हमको जान से मारने की धमकी दे रही थी और अबोध बालक बालिकाएं कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर चल रहा धरना प्रदर्शन। पीड़ित ने लगाए न्याय की गुहार, अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा शहर के कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर धरना चल रहा है। देख रहे हैं आप, बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। थाना जमुना पार पुलिस द्वारा सैनी जाति के गरीब परिवार को मारपीट धमकी देकर सैनी जाति के लोगों को उनकी पैतृक संपत्ति जबरन बेदखल कर कथित पत्रकार है भू माफिया है थाना जमुना पार क्षेत्र की रहने वाली है सपना ठाकुर। कथित पत्रकार ने इनको जबरन बेदखल कर घर से किया बेघर और जिला प्रशासन आला अधिकारी मामले की नहीं कर रहे हैं सुनवाई। विगत कई दिनों से यहाँ पर इनका धरना चल रहा था तो इस धरने को समर्थन देने आज आए अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष जनपद के प्रमुख समाज सेवी लोकेश राही और रमेश सैनी जी। हम आपको बता दें कि देख रे देख भगवान अपने जग की हालत कितना बदल गया रे इंसान। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रही तो वो मानव जीवन है धिक्कार। और देखिए हम बता दें कि यहाँ पर ये बच्चे हमारे देश के भविष्य कहे जाते हैं नौनिहाल। आप ये बताओ कि आपका क्या नाम है, किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम कोमल सैनी है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। तो कहाँ आप जमुना पार क्षेत्र में कहाँ की रहने वाली हैं? जमुना पार लक्ष्मी नगर सरंडी के नगले में मैं रहती हूँ। अच्छा ये बताओ बेटे कि मतलब जो पुलिस है थाना अध्यक्ष जमुना पार है हमारे चौकी लक्ष्मी नगर इंचार्ज है, आप लोगों ने जब उसने सपना ठाकुर कथित पत्रकार ने आपके साथ ये मामला किया तो एसओ साहब से या चौकी इंचार्ज साहब से आपने गुहार नहीं लगाई? लगाई थी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा तो अब जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आला अधिकारी क्या कहते हैं? अब ये तो बड़े बड़े जानते हैं मुझे नहीं। चलिए तो ये रही थी बालिका, ये देखिए कैसे मासूम बालक बालिकाएं हैं यहाँ पर, इनको देख हमको बड़ा दर्द आ रहा है। बालक बालिकाएं हैं ये, पढ़ने वाले नौनिहाल हैं ये, अबोध बालक बालिकाएं हैं ये। और देखिए यहाँ पर ही इधर हम बताएं कि देख सकते हैं यहीं पर ये बेचारे सैनी समाज के लोग जो है खाना पीना बना रहे हैं, अब चाय बन रही है। देखो यहाँ पर ये मथुरा नगरी है, तीन लोक से न्यारी है, कृष्ण की भूमि है। ये नदी है या पानी की कोई दीवार हो, हमको मनचाही सूरज दिखलाता रहा, आईना भी हमारा वफादार हो। बिजलियाँ यूँ नहीं गिरती हैं, इस चमन में जरूर कोई ना कोई तो गुनेगार है। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।